हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मित्र। आज 22 जून का हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसकी जो थीम है 2019 की, वो है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम है। और कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि 2018 की थीम क्या है, तो आपको 2018 की थीम भी पता होना चाहिए। तो 2018 की जो योग थीम है, वो है योगा फॉर पीस। और दोस्तों, आपको पता होगा ये कौन सा संस्करण है, ये 5वां संस्करण है। पहला संस्करण 21 जून 2015 से स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी जो 2019 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मुख्य कार्यक्रम है, वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था रांची में। और ये किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है ये योग दिवस? तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित किया जाता है। और 21 जून जो सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, और अभी गोवा में योगा का जो ब्रांड एम्बेसडर है, वो भी बनाया गया है। दोस्तों, आपको वो भी ध्यान होना चाहिए, गोवा का योगा ब्रांड एम्बेसडर है नम्रता मेनन। और भारत में जो योग दिवस है, तो इसका संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? इसका संचालन आयुष मंत्रालय करता है। और अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने योग केंद्रों का पता लगाने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है, तो उस ऐप का नाम है योगा लोकेटर। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आयुष मंत्रालय है, तो उसके मंत्री कौन है? तो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक, तो इन्हें आयुष मंत्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के खराब प्रदर्शन के बीच किसने क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का जो भी भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था, तो उसके बाद में मोहसिन खान क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और इनकी जगह है वसीम खान को अभी नया अध्यक्ष बनाया गया। तो वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान टीम खराब प्रदर्शन चल रहा था, तो पीसीबी क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अब ये हाल ही में इस्तीफा देकर मोहसिन खान की जगह वसीम खान को नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कप 2019 में कौन सा खिलाड़ी 6 अलग अलग देशों के खिलाफ 150 से ज़्यादा रन की निजी पारी खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका सही आंसर है डेविड वॉर्नर। तो डेविड वॉर्नर अभी वर्ल्ड कप 2019 में, ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप 2019 के मैच में 166 रन की पारी खेली। और इस पारी के साथ ही डेविड वॉर्नर 6 अलग अलग देशों के खिलाफ 150 से ज़्यादा रन की निजी पारी खेलने वाला पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, T20 महिला क्रिकेट में किस देश की टीम सबसे कम 6 रन के स्कोर पर आउट हो गई? तो इसका सही आंसर है माली महिला क्रिकेट टीम। माली महिला क्रिकेट टीम जो बिल्कुल 6 रन के स्कोर पर ही आउट हो गई अभी। माली महिला क्रिकेट टीम, T20 महिला क्रिकेट टीम में माली महिला क्रिकेट टीम सबसे कम 6 रन के स्कोर पर आउट हो गई। टीम के सिर्फ एक बल्लेबाज ने स्कोर बनाया और बाकी 9 खिलाड़ी खाता खोले बिना आउट हो गए। तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की शहर की एक अदालत ने स्पर्म डोनेट करने वाले व्यक्ति को ही 11 वर्षीय बच्ची का असली पिता घोषित किया? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी शहर की एक अदालत ने स्पर्म डोनेट करने वाले पहले व्यक्ति को ही 11 वर्षीय बच्ची का असली पिता घोषित किया है। स्पर्म डोनेट करने वाले व्यक्ति को वे सभी अधिकार होंगे जिनसे वह बच्चे का भविष्य तय कर सकें। अगला प्रश्न है, कलादान परियोजना भारत द्वारा किस देश में शुरू की गई? तो दोस्तों, कलादान परियोजना भारत द्वारा जो शुरू की गई है, वो की गई है म्यांमार में।
तो कलादान परियोजना भारत और म्यांमार देश में शुरू की गई है, दोनों देशों की ये साझा परियोजना है। तो इस परियोजना के तहत कलकत्ता बंदरगाह को म्यांमार की सितवे बंदरगाह से जोड़ा जाएगा और फिर सितवे बंदरगाह को प्लेट व कलादान नदी मार्ग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या संभावना 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत निम्न में से किस वर्ष तक चीन को सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में पछाड़ देगा? तो दोस्तों, अभी जो जनसंख्या का बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है भारत में, और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2027 तक भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा। अभी जो भारत की जनसंख्या है वो 1.37 बिलियन है और चीन की है 1.43 बिलियन है 2027 तक। तो भारत 2027 के आसपास चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन सकता है। भारत की जनसंख्या में 2050 तक 27.3 करोड़ की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही भारत शताब्दी के अंत तक दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रह सकता है। तो यह भी एक क्राइसिस है, यह भी एक चिंताजनक बात है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा कितनी भारतीय प्रजातियों को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो इसका सही जवाब है 21 प्रजातियों को लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल किया गया है। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL द्वारा वर्ष 2008-2009 में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए एकीकृत वन्य जीव आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। 5 जुलाई 2018 को NBWL द्वारा 4 प्रजातियों उत्तरी नदी टेरापिन, क्लाउड तेंदुए, अरब सागर हम्पबैक वेल और रेड पांडा को गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए केंद्र के रिकवरी कार्यक्रम में जोड़ा है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इन प्रजातियों को शामिल करने के उपरांत लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या 21 हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से 21 प्रजातियों की संख्या है जो लुप्त होती जा रही है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली को अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य है? तो जो आपातकालीन प्रतिक्रिया होती है तो उसके समर्थन में जो प्रणाली है उसको देश के कौन से राज्य ने अपनाया है? उड़ीसा, नागालैंड, केरल, उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है नागालैंड। हाल ही में पैन इंडिया हेल्पलाइन आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली ERSS को अपनाने वाला नागालैंड देश का दूसरा राज्य। इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश का प्रथम हिमाचल प्रदेश ने इस प्रणाली को अपनाया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल और नागालैंड के अतिरिक्त देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली को प्रारंभ किया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि दिसंबर 2012 में दुर्भाग्यपूर्ण निर्भया घटना की पृष्ठभूमि में जस्टिस वर्मा कमेटी ने पूरे भारत में आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली के कार्यान्वयन का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, नए लोकसभा स्पीकर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों, आपको इसका जवाब देना, आप कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब दे सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।